बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मून टीवी की जानिब से तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद। आज मैं मैक्रोनी चिकन चंक्स राइस बना रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल डाल लिया है, 1 टेबलस्पून प्याज और बारीक कटा हुआ अदरक है वो मैं इसमें डाल दूँगी। अदरक और प्याज को मैं हल्का सा सौते करूँगी। ये 1/2 कप मैंने ऑयल डाला था, इसके अंदर मैंने ये लहसुन और प्याज डाला है। एक से दो मिनट मैं प्याज और लहसुन को थोड़ा सा सौते कर लूँगी। प्याज और लहसुन अच्छा सा सौते हो गया है, इसके अंदर ये चिकन चंक्स है मेरे पास, ये मैंने डाल दिए। 1 कप चिकन चंक्स हैं, इनको डालकर हल्का सा फ्राई करूँगी। चिकन चंक्स अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। एक कैरेट है, इसको बारीक चॉप कर लिया है। एक कैप्सिकम है और थोड़े से ये कॉर्न हैं, स्वीट कॉर्न, और एक ये पत्ता गोभी है बारीक कटी हुई। इस सब वेजिटेबल को मैंने इसमें डाल दूँगी। वेजिटेबल को 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून नमक इसमें डाल दूंगी। अच्छा सा मिक्स करूंगी। सब्जियां हल्की सॉफ्ट हो गई हैं। 1 टेबलस्पून चिल्ली सॉस, 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, ये चीज़ें भी इसमें डालकर अच्छा सा मिक्स करूँ। 5 मिनट मैंने सब्जियाँ सौते की हैं। अब इसमें मेरे पास 1 कप बॉयल हुई हुई मैक्रोनी है, ये भी डाल दी। ये और 2 कप बॉयल हुए हुए राइस हैं मेरे पास, ये भी इसमें डाल दूंगी। ये मैक्रोनी राइस वेजिटेबल के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। आप भी इसी तरह बनाइएगा, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, हल्की फुल्की भूख में खाएं, बहुत मज़े के लगेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपने कमेंट्स दें। ये देखें, ये तमाम चीज़ें मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तमाम चीज़ों में चावल बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं और ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं। आप भी इसी मेथड से बनाइएगा। हमेशा अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुआओं में मुझे याद रखें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।